खुद सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और दूसरे को क्या सनातन की पाठ पढ़ा रहे हैं। झारखंड से होकर के बिहार के रास्ते उनको भारत की गद्दी छोड़ना पड़ेगा 2024 के चुनाव। और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति खड़ी है। ये राष्ट्रपति कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री सब कुछ है। मंडल डैम का 2-2 बार शिलान्यास किया इन्होंने, 14 में भी किया, 19 में भी किया, मंडल डैम में आज तक काम नहीं लगा। तो हर मामले में ये विफल रहे हैं। कल 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में एक न्याय उलगुलान का रैली होना है। वैसे में जितने भी इंडिया गठबंधन है, राजद, कांग्रेस, JMM और तमाम जो घटक दल हैं, वह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े दिल्ली के भी जो सुप्रीमो है इस पार्टी के, वह इस कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों लोग जो है इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, उनसे बातचीत करेंगे राजद की कितनी तैयारियां हैं। हालांकि लोकसभा में एक सीट जो है इनको इस बार मिला है, कैसी तैयारी देखते हैं कल के कार्यक्रम को? क्या कल के कार्यक्रम से दिशा और दशा झारखंड की, पूरे देश की बदलेगी? कल प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के देश के सभी बड़े नेता लोग आ रहे हैं। झारखंड की जनता नेताओं का स्वागत के लिए प्रत्येक जिला से इंडिया गठबंधन के जो एलाई पार्टनर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले, सभी जिलों से और प्रखंडों से लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। और ये 10 वर्षों का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और जो देश की जनता को ठगने का काम किया है, इस राज्य के मुख्यमंत्री के कल्याणकारी जो गरीबों के हित की काम कर रहे थे उनको बंद करने का काम किया है, जेल में बंद करने का काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बंद करने का काम किया, ये सबको जवाब कल प्रभात तारा मैदान से उनको दिया जाएगा। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि झारखंड से होकर के बिहार के रास्ते उनको भारत की गद्दी छोड़ना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। यह पूरी तैयारी है, राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी है, इंडिया गठबंधन की तैयारी है और इस तैयारी में सब लोग, दलित, पिछड़ा, अकलियत, आदिवासी भाई, जो इस देश के प्रधानमंत्री जिन्हें जो आधी आबादी की बात करते हैं और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति खड़ी हैं, ये अपमानित करने का काम किया है और ये देश को बताने का काम किया है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री सब कुछ है। तो ये डेमोक्रेसी को तार तार कर रहे हैं। और अभी देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का उनका संकल्प पत्र आया है, वो देश में चुनाव ही नहीं चाहते हैं। 300 मुद्दों को लेकर के और अनेकों वादा कहे यहाँ झारखंड वासियों के साथ उन्होंने किया कि हम यहाँ खाद कारखाना लगाएंगे, यहाँ अल्मोनियम फैक्ट्री लगाएंगे, हमारा चंदवा में 2-2 थर्मल पावर था कोल ब्लॉक को बंद करके, जिंदल कंपनी के, आज उसी जिंदल कंपनी को बेटा को टिकट दिए। ये तो ये हरासमेंट झारखंड का है। आज 2-2 बालूमाथ में, चंदवा में जो हमारा थर्मल पावर था, अगर ये थर्मल पावर बन जाता तो यहाँ का बिजली मिलती, उत्पादन होती, झारखंड को बेनिफिट मिलता। तो बहुत सारी बातें हैं। मंडल डैम का 2-2 बार शिलान्यास किया इन्होंने, 14 में भी किया, 19 में भी किया, मंडल डैम में आज तक काम नहीं लगा। मंडल डैम सिंचाई के साथ साथ गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, इन सब जिलों को पीने के भी पानी की व्यवस्था होती। हमारे जानवर जो बेतला नेशनल पार्क है, निकल करके गर्मी के मौसम में जंगल से बाहर चले जा रहे हैं, उनका हंटिंग हो जा रहा है, शिकार हो जा रहा है, तो ये हमारे जानवर बचते जो नेशनल पार्क है। तो बहुत सी ऐसी खामियां हैं। इन्होंने देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था, नौकरी देने की बात की थी, किसानों को आय दुगना करने की बात किया था इन्होंने। तो हर मामले में ये विफल रहे हैं।
ये तो इनकी बातें हो गई, लेकिन आप लोगों में जो है टिकट शेयरिंग को लेकर क्या लगता है कि सब कुछ ठीक? दो सीटों का मांग आप लोगों ने किया था, रांची सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है, जमशेदपुर नहीं हो पाया है, क्या लगता है कल सुप्रीमो आपके जो लालू प्रसाद यादव वो अभी इस कार्यक्रम में आएंगे? आप लोगों को सनातन विरोधी कहती है बीजेपी, कहती है कि ये सनातन विरोधियों का जो है जुटान होगा, इस बारात का दुल्हा कौन है पता ही नहीं है। देखिए एक देहाती कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो खुद सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, दूसरे को क्या सनातन की पाठ पढ़ा रहे हैं? चार शंकराचार्य चिल्लाते रह गए कि भगवान राम का अभी अति का शुभ मुहूर्त नहीं है, शंकराचार्य लोग चिल्लाते रह गए प्रधानमंत्री जी नहीं माने, तो सनातन धर्म को तो नहीं मानते हैं हम लोग, तो खला सनातन धर्म का हम लोग खानदानी व्यक्ति हैं, खानदानी है हम लोग, किसी के पार्ट कहने से थोड़े हो जाएगा कि हम लोग सनातन धर्म नहीं मानते हैं। कल तो कार्यक्रम में भी कह दिया मोदी जी ने, संविधान बनाने में भी सनातन धर्म का सही बोल रहा है। देखिए मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, सब अपना गड्ढा खोद रहे हैं। टिकट शेयरिंग आप लोगों का ठीक हुआ है लग रहा है? देखिए टिकट सीट मांग कर रहे थे, टिकट शेयरिंग ने ठीक हुआ नहीं हुआ वो हमारे नेता के, हम लोगों ने सारी बातें को बता दिया, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि नेता का जो फैसला होगा होगा। चतरा में जीत दिलाएंगे ना केंद्रीय पार्टी? देखिए इंडिया गठबंधन के तहत उनको टिकट मिला है तो हम लोग मदद करेंगे, अब जिताना और हराना तो जनता का काम है ना कि हम लोग का काम? हम लोग समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे, इंडिया गठबंधन के तहत टिकट मिला हम लोग समर्थन करेंगे, सभी पार्टी मिलकर करेंगे। कल की रैली में कितना लोग आने की जुटान होने की जरूरत लग रहा है आप लोगों की? कल की रैली में 3 लाख से अधिक लोग आएंगे, पूरा जाम हो जाएगा, पूरा जाम हो जाएगा। क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से? संदेश जाएगा कि मोदी जी का विदाई होगा झारखंड से। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि ये मुद्दों की उलगुलान नहीं है, ये सत्ता पाने के लिए उलगुलान हो रहा है, तो वो काहे के लिए घूम रहे हैं? मैंने वो काहे के लिए घूम रहे हैं? इतना जो प्रवचन देते चल रहे हैं, रोड शो करते चल रहे हैं, कौन चीज के लिए? सनातन धर्म की रक्षा के लिए कि सत्ते पाने के लिए? आत्मा व्याकुल है उनका कि सत्ता मेरा जाए नहीं। बोला कि इस बार एक बार और मौका दीजिए, पूरा इतिहास भूगोल सब इस बार वो मौका मांग रहे हैं संविधान बदलने के लिए, देश को शक्तिशाली बदलने के लिए नहीं। हमारे बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दलित पिछड़ा अकलियतों का जो हक और अधिकार दिया है उसको छीनना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आप होने देंगे? आप लोग कैसे होने देंगे? मोदी जी के चाहने से हो जाएगा, नागपुरिया कानून लागू हो जाएगा। तो चट्टानी एकता है, पूरी एकता है झारखंड, पूरी झारखंड इंडिया अलायंस मजबूती के साथ हम अपनी संविधान की रक्षा करेंगे, और संविधान को रक्षा करके भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री की गद्दी से उनको हटाएंगे। 14 का आंकड़ा 400 पार बोल रहे हैं अब, वो क्या बोल रहे हैं? बोलने में कुछ पैसा वैसा थोड़े लगता है। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे कितना पार करेंगे, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तब ना वो बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि उनको गद्दी से हटाना है, कोई पार वार नहीं, तरी पार, बस सीधे उनको गद्दी से हटाना है। चलिए तो सीधे गद्दी से उतार देना है इस बार, यह कहना है राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव का। हालांकि जो है लाखों लोगों के कल के उलगुलान के कार्यक्रम में बताई जा रही कि भीड़ जुटेंगी, और यह आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर झारखंड की जो 14 सीट है इसमें कितनी चट्टानी एकता इंडिया गठबंधन की जो है सीटों पे जीत मिलती है। बीजेपी जो दावा कर रही है कि 14 की 14 सीट हम जीतेंगे इस बार, 400 का आंकड़ा पार करेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल के कार्यक्रम से झारखंड की राजनीति, देश की राजनीति एक अलग दिशा और दशा जरूर देखने को आपको मिलेंगी। फिलहाल इसका रुकता है, अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जगह न्यूज नेटवर्क के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।